मित्र हैं। मैंने हमारे जिलाध्यक्ष जी को बोल के अपनी ड्यूटी यहाँ पर लगवाई है, क्योंकि जो मित्रता में है ना, कई बार काम ज़्यादा बढ़िया कर देता है आदमी। तो मेरे भाई की लोकप्रियता इतनी है, जो उनके कामों की चर्चा की गई है, ये कोई झूठ बात नहीं है। उनकी फेसबुक आईडी से पता लगाया जा सकता है कि वो कितने समय से आप लोगों के वार्ड के लिए जो गलियों का, नालों का निर्माण कराते रह रहे हैं। मैं फेसबुक से देखता रहता था कि हमारा भाई संदीप दीवान कितना एक्टिव है। अभी तो इलेक्शन का दूर दूर तक भी नहीं पता था, वो लगभग 3-4 सालों से आप लोगों के बीच में दिन रात लगा हुआ है। और रही जिस समय वोट कर देते हैं और किसी गलत नुमाइंदे को हम लोग चुन देते हैं, तो बाद में 5 साल हम लोगों को पछताना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम किसी काम के लिए अपने चुने हुए नुमाइंदे के पास जाएंगे, या तो वह व्यक्ति अपना दरवाज़ा खोलेगा ही नहीं, और खोलेगा तो पता चलेगा कि वो तो है ही नहीं जी, यहाँ पर कहीं गए हुए हैं साहब, अपनी फैक्ट्री में हैं, अपने एजेंसी में गए हुए हैं, अपने फार्म हाउस पर गए हुए हैं। लेकिन भाई संदीप धीमान एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको जब भी आप जाओगे तो बहुत बड़ा घर नहीं है, आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, और आपके डोर स्टेप के ऊपर, आपके दरवाजे के ऊपर आपको सारी सुविधाएं आपके कार्यों को करने के लिए वह व्यक्ति हमेशा तैयार रहेगा, यह हम सबका विश्वास है। साथियों, बहुत सारी पार्टियां और आज़ाद उम्मीदवार आज चुनाव मैदान में हैं। कुछ लोगों के पास पैसा है, वो सोचते हैं चलो इसी में अपनी किस्मत आजमा लेते हैं, हो सकते हैं कि हम लोग MC बन जाएं, हम लोग निगम पार्षद बन जाएं। और कुछ लोग सोचते हैं कि पार्टी का सिंबल तो मिला नहीं, चलो पार्टी ने कहा है, पार्टी की पूरी पीछे से हमारे शह है, इसलिए हम लोग हमारा पूरे वार्ड के अंदर संपर्क हो चुका है, हम डोर टू डोर कनेक्शन कर चुके हैं, और अभी भी हमारा प्रयास रहेगा कि जिस दरवाजे तक हम नहीं पहुंच पाए उस दरवाजे तक भी पहुंचा जाएगा। हमारा मुख्य एजेंडा तो वार्ड नंबर 16 में विकास सफाई को लेके है। वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 16 के अंदर सफाई नहीं है बिल्कुल भी, जो कि पूर्व पार्षद जसबीर बिट्टू जी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। गांधीनगर, जोगिंदर नगर हर बार मेरा यही होता है, गांधीनगर जोगिंदर नगर में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जो कि हमें उसको बहुत ज़्यादा सुधार लेके आना उसको। नशा मुक्त बनाने के लिए हम जितनी भी प्रशासन से मदद होगी प्रशासन से मदद लेंगे, और जहां अवैध रूप से ये हत्या चल रहे हैं उनको बंद करवाया जाएगा। लोगों का अच्छा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा आश्वासन मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार पार्षद के रूप में बनेगा और मेयर के रूप में। मैं जो पूर्व पार्षद हैं उनको भी हल्के में लेके नहीं चल रहा, मैं अपना प्रयास पूरा कर रहा हूँ और लास्ट नंबर करता रहूँगा, और आशा है कि ये चुनाव हम ही जीतेंगे।